दोस्तों लोग इतने बेशर्म हो गए हैं भ्यूज के चक्कर में हैं कि बिसरू राज जेल चले गए, मालदेव तो इस दुनिया से ही चली गई, और वीडियो बना के क्या डाल रहे हैं लोग थंबनेल लगा के कि बिसरू राज के पापा का डेथ हो गया यानी मौत हो गई। छी छी है इन लोगों पर, घिन आती है ऐसे लोगों पर। तो नमस्ते प्रणाम दोस्तों, मैं हेमा चौहान, हमारे वीडियो में यूट्यूब चैनल पे हम आप सभी का स्वागत है। और आजकल 2-3 दिन से आप लोग देख ही रहे हैं कि कितने गिरे हुए लोग हैं भाई, हैं व्यूज के चक्कर में लोग कितने गिर जा रहे हैं। खासकर कोई वकील है वो और कुछ पत्रकार, कोई जो है पेशे से वकील है और यूट्यूब का काम कर रहा है, उसका पेशा नहीं चल रहा होगा वकीली का से झूठ मूठ में, तो जो है वो वीडियो क्या बनाए हैं तो उनका पैसा नहीं चल रहा होगा वकीली का, वो वकीली करने यूट्यूब पर आ गए हैं। बताओ, झूठे अच्छे खासे चलते फिरते इंसान को मार दिए, कितने शर्म की बात है भाई। वकील जी, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो थोड़ा शर्म कीजिएगा, शर्म कीजिएगा, शर्म आती है आप पर। आप पेशे के वकील हैं, आपको समाज को अच्छा मैसेज देना चाहिए, ना कि चलते फिरते अच्छे खासे इंसान को मार देना चाहिए। बताओ कैसे कैसे मतलब, और कुछ मीडिया वाले भी हैं, अपना चैनल चलाने के लिए, अपने चैनल को आगे बढ़ाने के लिए कैसे झूठे झूठे जो है अफवाह फैला दे रहे हो, बताइए। ऐसे लोगों को तो समाज में रहने का हक ही नहीं है। किस हक से समाज में रहोगे भाई आप लोग, कि चलते फिरते अच्छे खासे इंसान को मार दे रहे हो, वो भी थंबनेल लगा दे रहे हो, माला चढ़ा दे रहे हो कि बिसरू राज के पिता खत्म हो गए, मर गए। बताओ सब कोई बात होती है? अरे उसके बिसरू राज के परिवार पे, बिसरू राज पे दुखों का पहाड़ टूटा है। पहाड़ क्या, पूरी दुनिया टूट गई है दुख के मारे उसके घर पर, ठीक है। लेकिन उसमें सांत्वना देने के बदले, उन लोगों को धीरज रखने देने के बदले, सलाह देने के बदले आप लोग उसके पापा को ही मार डाल रहे हो। ये कैसी दुनिया है, कैसा समाज है? समाज, चलो समाज तो समाज ही, कैसे कैसे लोग हैं भाई कि अच्छे खासे चलते इंसान को मार दे रहे हैं। मुझे तो इतना रोना आ रहा है ना इस खबर पे कि अगर मिल जाते भाई साहब आप वकील साहब, तो लह चप्पल आपका तो मैं गाल लाल कर देती। फिर किसी के बारे में ऐसा वीडियो बनाते हैं, थू है आप पर, थू है, ठीक है। आप वीडियो में कुछ भी बोले हो या ना बोले हो ठीक, लेकिन बिसरू राज के पापा का फोटो लगाकर थंबनेल पे माला कैसे चढ़ा दिए, कैसे माला चढ़ा दिए? आपकी हिम्मत देखो, भी तो आप पे कोई FIR करे तो आप तो चले जाओगे जेल तुरंत, आप ही का पत्ता कट जाएगा। बताओ वो लोग आपका थंबनेल देख के हंस रहे होंगे कि रो रहे होंगे, आदमी हो तो वकील किसने बना दिया आपको भाई? वकील किसी ने बनाया नहीं, आप वकील हो ही नहीं। अगर वकील होते ना तो वकीलगिरी करते ना कि न्यूज छापते कि बिसरू राज के पापा जो है मर गए छी, और मालदीप के पापा बड़े खुश हुए कि बिसरू राज के पापा बहुत अच्छे दिल के थे और मर गए। ज ज जा ये वकील साहब जा, तुम्हें तो जाके चुल्लू भर पानी में डूब मरे के चाहिए। हाँ, इतना बढ़िया न्यूज जोन फैलाए दहला तुम छी। अगर कभी मिलेंगे आपसे हम ना, तो आपको इतना ऐसा करारा जवाब हम देंगे कि आप जिंदगी भर याद रखोगे कि किसी का गलत न्यूज नहीं छापोगे आप। न्यूज क्या है, न्यूज के लायक भी नहीं हो क्या है? कुछ भी करने लायक नहीं हो, एक अच्छा इंसान तक नहीं हो, वकील छोड़िए न्यूज़र छोड़िए, एक अच्छे इंसान भी नहीं हो। बताओ चल रहे हो सोशल मीडिया पे, पैसे पैसा जो है वकील का है, और थंबनेल लगा रहे हो कि विष्णु राज के पापा मर गए। शर्म आनी चाहिए ना आपको, शर्म आनी चाहिए आपको।
जाके चुल्लू भर पानी में डूब जाइए। मैं 4-5 दिन से 3-4 दिन से ये मतलब देख रही हूँ, बहुत लोगों ने ये इस पे वीडियो बनाया है, बहुत लोगों ने, तब जाके मैं आज ब्लॉग बनाई हूँ अपना। मैं बहुत दिन से ब्लॉग नहीं डाल रही थी, मेरा व्यूज भी नहीं चल रहा है, लेकिन मेरा देखते देखते माथा गर्म हो गया है एकदम से कि बिशरू राज के पापा मर गए, बिशरू राज के पापा मर गए, इसीलिए मैं ये बनाई हूँ दोस्तों।